प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के बड़े बड़े दावे कर रही है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को फ्री वर्दियां दी जा रही हैं, कई सुविधाएं दी जा रही हैं, यहाँ तक कि फ्री शिक्षा भी दी जा रही है। लेकिन फ्री में दी जा रही शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, इस और शायद प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के बड़े बड़े दावे कर रही है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को फ्री वर्दियां दी जा रही हैं, कई सुविधाएं दी जा रही हैं, यहां तक कि फ्री शिक्षा भी दी जा रही है। लेकिन फ्री में दी जा रही शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, इस और शायद प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम ये कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहे। अगर आप भी शिक्षा बोर्ड द्वारा 9वीं कक्षा का प्रश्न पत्र देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे, जहां प्रश्नों का अनुवाद इंग्लिश में किया गया है और शायद अनुवाद किए गए प्रश्नों को किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों ने पढ़ा तक नहीं होगा। यही कारण है कि ये प्रश्न पत्र हास्य का प्रतीक बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, महात्मा गांधी ने पंच कोणीय खेल का विरोध किया, इसका इंग्लिश में अनुवाद महात्मा गांधी अपोज पंच कोनिया प्ले, भारत में निर्धनता का कारण बताइए, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया, गन्ना उत्पादक एक राज्य, शुगर केन प्रोड्यूस्ड स्टेट, उत्तरी मैदानों के निर्माण का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब नॉर्थ ग्राउंड मेकिंग। इस तरह के प्रत्येक प्रश्न का जो अनुवाद किया गया है वे हास्यपद है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिसने भी ये प्रश्न पत्र बनाया है वे शायद नौसिखिया रहा होगा। लेकिन क्या उच्च अधिकारियों ने भी उस प्रश्न पत्र को बिना पढ़े ही छपने भेज दिया, ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। वहीं जब इस बारे में उच्च शिक्षा उपनिदेशक योगेंद्र मखैक से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भी इस प्रश्न पत्र को लेकर बेहद खेद जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हैरानी वाली बात है कि पेपर सेट करने वाला पहले एक अध्यापक और अध्यापक के द्वारा ऐसा कार्य करना शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। नहीं, यकीनन मेरे ध्यान में जो आया है, त्रुटियां तो बहुत ज़्यादा है इसमें, खास करके जो ट्रांसलेटेड पार्ट है वो तो बिल्कुल ही गलत है। अब कोस्ट और घाट का जिसको अंतर मालूम नहीं है, कोस्ट इज अ प्लेस वेयर रिवर मीट्स द सी और घाट जो है इट इज अ रिजन पार्ट ऑफ द लैंड, तो ये बहुत गलत है। इस बारे में पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए स्कूलों में फ्री शिक्षा और फ्री वर्दी बांटने में लगा हुआ है, लेकिन शिक्षा का स्तर जिसे बेहतर करना चाहिए उस ओर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की ट्रांसलेशन प्रश्न पत्रों में देखी जा रही है उससे बेहतर ट्रांसलेशन तो निजी स्कूल का तीसरी का बच्चा कर लेता है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सरकारी विद्यालयों में लोग बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि एक तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्तर को केरल के बाद हिमाचल का नाम आता है, लेकिन हकीकत क्या है ये सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है जो सरासर गलत है। जो सरकार है वो बिल्कुल शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बिल्कुल फेल हो चुकी है। 9th क्लास का है, अगर आप उसकी हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन को मिलाएं तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी 4th क्लास के या 3rd क्लास के बच्चे ने वो पेपर सेट किया है। एक विडंबना है कि सरकार चाहती है कि शिक्षा का स्तर बढ़े, मगर जो शिक्षक हैं जिस प्रकार से बोर्ड में ये गलतियां पाई जा रही हैं, बोर्ड के जो एग्ज़ाम सेट रहे हैं, पेपर सेट रहे हैं, वो किसी बात का ध्यान नहीं देते। जब पेपर बनता है उसको चेक नहीं करता कोई ऊपर तक किसी प्रकार से। जब बच्चे भी उसको पेपर को सॉल्व करने लगते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।